हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे कि हमने फोर्थ यूनिट जो हमारा है वो हमने कुछ वीडियो लेक्चर्स लेके हमने कंप्लीट किए थे, तो हमारा फोर्थ यूनिट वहाँ पर हो चुका था। लेकिन जो हमारे बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ मुझे मैसेजेस आए थे जिसमें वो बोल रहे थे कि सर हमको तो फोर्थ यूनिट मिला है सिर्फ, जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट है अगर आप उसका भी अगर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स डालते तो काफ़ी मदद हो जाती उनको। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं यूनिट 1, 2 और 3 भी मैं कवर कर लूँगा, यानी हमारा पूरा सिलेबस ऑनलाइन आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा ताकि आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप जब भी चाहे तब उसको देख के या तो रिवाइज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ भी जाएगा। तो इसलिए चलिए हम लोग फर्स्ट यूनिट से फिर से चालू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है और जो कि एक बहुत ही बेसिक सवाल है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स हम जब पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है और हम कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो चलिए पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। तो जैसे कि हमको पता है कि कंप्यूटर्स पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ पे इतने डेवलप होते जा रहे हैं और उसमें ग्राफिक्स सिस्टम्स इतने ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं कि हमको हर चीज़ घर में बैठे हुए आजकल कंप्यूटर के थ्रू मिल जाती है। पर उसमें जो ग्राफिक्स वाला पार्ट है एग्जैक्टली वो क्या चीज़ होती है, हमको ये क्वेश्चन के अंदर में उसके बारे में लिखना है और वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है हमको वो भी चीज़ें इस क्वेश्चन में लिखनी है। तो आजकल हम कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। टुडे वी फाइंड कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज रूटीनली इन सच डाइवर्स एरियाज एज साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट्स, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये सब जगहों पे अगर सम अप किया जाए तो हर जगह पे आजकल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये फिगर में दिया हुआ है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हमारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहा है, हमारे 3D ड्राइंग्स बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, हमारे बार पाई ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, हमारे नॉर्मल ग्राफ्स बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो ऐसा हर जगह पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। तो उसमें से सबसे पहला जो यूज़ हमको दिया हुआ है वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन नाम से जो हमको पता चलता है कि कंप्यूटर हमको मदद कर रहा है कोई तो भी डिज़ाइन बनाने के लिए। एक पूरी चीज़ बनाने से पहले कोई प्रोटोटाइप बनता है तो उस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए हम कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं आजकल। जैसे कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस बिल्डिंग का प्रोटोटाइप बना सकते हैं हम पूरा कंप्यूटर के अंदर में ऑटो कैड के थ्रू। तो वैसे ही हमको अगर कोई गाड़ी बनानी है तो गाड़ी की फैक्ट्रीज़ जो होती है वो सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप बनाती है, उसका मॉडल बनाते हैं, वो भी कंप्यूटर के अंदर बनता है, उसका टेस्टिंग होता है कंप्यूटर के अंदर ही पूरा। तो वो चीज़ें आती है हमारी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर में। और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, हमारे बिल्डिंग्स में, ऑटोमोबाइल्स में, एयरक्राफ्ट बनाते वक्त, वाटर क्राफ्ट बनाते वक्त, स्पेस क्राफ्ट बनाते वक्त और दूसरे कंप्यूटर्स बनाते वक्त, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में एंड मैनी मोर अदर प्रोडक्ट्स। हर जगह पर ये चीज़ें यूज़ हो रही है। जैसे कि हमारे एक फिगर में यहाँ पे बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, फिगर 1.2 और 1.3 में। तो देखिए, जैसे जब गाड़ी बनती है तो गाड़ी का टायर किस तरीके से बनना चाहिए, उसके अंदर शॉकअप्स वगैरह, ये पूरा वायर फ्रेम डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे एक पूरी व्हील की असेंबली इन्होंने कंप्यूटर के अंदर में बनाई हुई है। तो ये कैसा रहने वाला है बाद में, ये पूरी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर के अंदर पहले ही बना सकते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू। जैसे यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट हो गया, यहाँ पे एक कार का मॉडल हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग कंप्यूटर के अंदर में बना सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला बेसिक एप्लीकेशन हो गया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का, कि हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि हम लोग मॉडल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर ये मॉडल की बात करें तो ये जो मॉडल होता है इसको हम टेस्टिंग के अंदर भी डाल सकते हैं कि ये जो मॉडल बना हुआ है हमारा वो किस तरीके से काम करेगा रियल वर्ल्ड में। तो जैसे कि अगर हम ऊपर देख रहे थे जहाँ पे हमारा एक कार की व्हील असेंबली बनाई हुई थी, तो ये जो व्हील असेंबली है मुझे इसको टेस्ट करना है कि ये जब मैं टर्न लेता हूँ तो ये कितना शॉक एब्सॉर्ब करेगा, टर्न लेते वक्त में कितना टायर के ऊपर प्रेशर आएगा, कैसे काम करेगा, ये सब चीज़ें मुझे देखनी है, तो भी मैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यूज़ कर सकता हूँ। तो नीचे में एक एग्जांपल में हमको एक थोड़ा सा बताया गया है कि किस तरीके से काम में आएगा। जैसे देखिए, ये वाले डायग्राम में क्या किया है उन्होंने कि ये जो व्हील असेंबली हमने बनाई हुई थी उस व्हील असेंबली का लेन चेंज करते वक्त में किस तरीके से काम करेगा वो बताया हुआ है। तो अगर आप देखते हैं इसकी ट्रैजेक्टरी तो ये सीधा आ रहा है और लेन चेंज करते वक्त में ये किस तरीके से हमारा व्हील दिखेगा हमको, और प्लस इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इवन वीडियोस ऑडियोस के थ्रू भी इस डिज़ाइन को जो हम मॉडल बना रहे हैं उस मॉडल को पूरा 3D व्यू में उसको रन करके उसको सिमुलेट करके हम चीज़ों का परफॉर्मेंस भी निकाल सकते हैं, जो कि एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है क्योंकि हमको वो चीज़ पूरी बनानी नहीं पड़ रही है रियल वर्ल्ड में। हम पहले ही उसको कितने भी बार मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में, फिर फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है टेस्टिंग के बाद में उसका फिर हम लोग क्या करते हैं उसको फिर प्रोडक्शन में डालते हैं।
वरना अगर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ता था, हमको हर एक चीज़ रियल वर्ल्ड में बना के थोड़े से भी चेंजेस रहे तो पूरा मॉडिफाई करके हमको उस चीज़ को हर बार अलग अलग टाइप से टेस्टिंग करनी पड़ती थी, जो कि बहुत टीडियस जॉब हो जाता था। तो हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स की वजह से हमको इसमें मदद हो गई है। और इसी में थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारे सिमुलेटर्स आ गए हैं आजकल। आप लोगों ने भी देखा होगा जब हम कार की टेस्ट कर देते हैं तो हमको एक सिमुलेटर में बिठाते हैं, उसके अंदर फिर हम लोग बैठ के कार की टेस्ट सबसे पहले देते हैं, यानी हमको डायरेक्टली रोड पे नहीं ले जाते हैं, हमको सबसे पहले सिमुलेटर में बिठाते हैं जहाँ पे स्क्रीन पे हमको दिखता है कि ट्रैफिक कैसा है क्या है, पूरा का पूरा कंप्यूटराइज होता है और हम लोगों के पास में गियर्स एक्सेलरेटर ब्रेक सब कुछ होता है और हम उसके अंदर पहले सिमुलेटर के अंदर में हम सबसे पहले गाड़ी चलाते हैं और धीरे धीरे फिर जब कॉन्फिडेंस आने लगता है तब हमको फिर रोड के ऊपर में रियल वर्ल्ड में गाड़ी चलाने देते हैं। तो ये होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का एक यूज़ कि जिसके अंदर हम लोग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बनाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आजकल जो वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट्स बना रहे हैं, गेम्स निकले हैं इतने सारे, तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए हमारे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के। हमारा और एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि ये चीज़ जो है ये आपने सबने देखी होगी कि हमारा जो घर रहता है उसका एक सबसे पहले एक मैप मिलता है, तो ये इस तरीके से मैप रहता है जिसके अंदर वो पूरा हमारा घर कैसा रहने वाला है हमको एक 2D डायग्राम दिखता है उसका। इसको हम लोग 3D में भी बना सकते हैं, इसके अंदर एक वर्चुअल वॉक थ्रू भी ले सकते हैं। ये सब और सब चीज़ें पॉसिबल होती है हमारे CAD के वजह से। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स का पहला एप्लीकेशन होता है हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। दूसरा जो एप्लीकेशन है हमारा वो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब भी कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ वर्ड्स के थ्रू वो चीज़ उतनी अच्छे से इम्पैक्ट नहीं कर पाती है जितना वीडियोस के थ्रू या फिर कोई इमेजेस के थ्रू इम्पैक्ट कर सकती है यूज़र्स को। तो यही हमारा यूज़ है कंप्यूटर ग्राफिक का कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे हम लोग ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारा जो ऑडियंस है उसको और अच्छे से समझ में आ जाए कि हम लोग क्या समझाना चाहते हैं। जैसे अगर मुझे कोई चीज़ का डेटा दिखाना है तो वो डेटा के अगर मैं आपके सामने सिर्फ नंबर्स बोलते जाऊँ तो वो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर मैं उसी को एक पाई चार्ट में या फिर बार ग्राफ में अगर आपको दिखाऊँ तो वो अच्छे से आपको समझेगा भी, कंपैरिजन भी हो जाएगा दो तीन अलग अलग वैल्यूज़ का, तो वो आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मेरे जो नंबर्स है उनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो रहा है वहाँ पे और वो कंपैरिजन में कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के अंदर में भी यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है कि हम लोग बार ग्राफ्स के अंदर में बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, हमारा 3D बार ग्राफ्स भी होते हैं, फिर हमारे पास में अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है तो हम उसको सरफेस चार्ट के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये सब हमारे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के अंदर में आती है। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का। और एक तीसरा एप्लीकेशन जो हो गया हमारा वो है कंप्यूटर आर्ट। अब कंप्यूटर आर्ट में हम सब ने जब कंप्यूटर पढ़े हैं सबसे पहले हम लोग को पढ़ाया जो जाता है वो है हमारा पेंट, कि ब्रश कैसे यूज़ करना ताकि हमारा माउस स्मूथली हम हैंडल कर सके। तो ये जो पेंट एप्लीकेशन है ये आता है तुम्हारे कंप्यूटर आर्ट के अंदर में। तो कंप्यूटर के ऊपर जब भी तुम आर्ट बनाना चाहो तब तुम अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। सबसे बेसिक है तुम्हारा पेंट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में आता है, लेकिन अगर तुमको और चीज़ें अच्छी अच्छी बनानी है तो तुम्हारे पास में और अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर पैकेजेस आने लग गए हैं जिसके थ्रू तुम लोग एनिमेशन कर सकते हो, यानी तुम अलग अलग कार्टून्स बना सकते हो। ये सब चीज़ें तुम्हारी कंप्यूटर आर्ट में आती है। तो जैसे कि बहुत पहले जो यूज़ होने वाला एक प्रोग्राम था उसको बोलते थे हम लोग पेंट ब्रश। तो उस पेंट ब्रश में क्या होता था कि हम लोग हमारे पेंट के समान ही हम स्क्रीन के ऊपर में अलग अलग कार्टून्स या फिर इमेजेस या फिर हमको जो भी बनाना है वो हम बना सकते थे। और मेनली उसमें था सपोर्टेड एक स्टाइलस कि हम लोग एक नॉर्मल स्टाइलस के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर चीज़ें ड्रॉ कर सकते थे। तो यानी हमारा जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो हमारा आर्ट बनाने के काम में भी आ रहा है, इसीलिए हमने बोला हुआ है कि हमारा तीसरा एप्लीकेशन है कंप्यूटर आर्ट के अंदर में। तो उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे जो मैं बोल रहा था कि पेंट ब्रश नाम का एक हमारे पास में सॉफ्टवेयर था, उस पेंट ब्रश के थ्रू ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद में और कुछ आर्टिस्ट लोगों ने ये कार्टून बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने ये कार्टून्स बनाए हुए हैं हमारे, थोड़े से 3D टाइप के हैं ये हमारे। तो ये सब चीज़ें हम लोग कंप्यूटर आर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स की वजह से। हमारा नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है हम सबका फेवरेट, जो कि है इंटरटेनमेंट के लिए। तो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो हम इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते ही है। अब वो इंटरटेनमेंट कई तरीक़ों से हो सकता है, जैसे हम वीडियोस देखना हो गया, हम इमेजेस सर्च करना हो गया, हमारे मूवीज़ हो गए, गेम्स हो गए, ये सब चीज़ें हमारी आती है इंटरटेनमेंट के अंदर। जिसमें भी कंप्यूटर के ऊपर ग्राफिक्स इन्वॉल्व है वो सारी चीज़ें जो हम इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो आ गया
कंप्यूटर ग्राफिक्स के एंटरटेनमेंट पार्ट के अंदर में। तो इसीलिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन है हमारा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स हम क्यों यूज़ करेंगे, तो एक एप्लीकेशन उसका एंटरटेनमेंट भी है, इसीलिए भी हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि स्टार ट्रेक के अंदर जो शिप बनी थी वो किस तरीके से वायर फ्रेम के अंदर में उन्होंने डिज़ाइन की थी, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाले फिगर में। फिर उसके बाद हमारे पास में एक रेड स्ट्रीम नाम की मूवी थी, उसके अंदर में ये टाइप का पिक्चर उन्होंने जनरेट किया था सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद से। फिर उसके बाद में आप अगर देख पा रहे हैं तो एक निक नैक नाम की मूवी थी जिसके अंदर में ये वाला सीन भी जो किया है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर पे डिज़ाइन किया है। अगर आप आजकल की मूवीज़ में जाए तो अभी जितनी भी मूवीज़ हो रही है, साईफाई मूवीज़ जितनी भी आ रही है, मैक्सिमम चीज़ों के अंदर में कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही यूज़ होता है, और जो भी कैरेक्टर्स भी बनाए जाते हैं वो भी हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जितने भी सपोज़ कीजिए डायनासोर की मूवीज़ हो गए, या फिर हमारे गॉडज़िला हो गए, हम जितने भी टाइप के हमारे साईफाई मूवीज़ देख रहे हैं या फिर नए मूवीज़ देख रहे हैं उसके अंदर काफ़ी हद तक कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने ये भी बोला है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक यूज़ ये भी है कि लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये एक एप्लीकेशन भी हो गया उसका। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। आज हम घर बैठे बैठे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, क्यों? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स की वजह से, क्योंकि हम ग्राफिक्स का यूज़ करके ऑडियो वीडियो मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ और आप घर में बैठे बैठे पढ़ पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बायोलॉजी या फिर बॉटनी इन सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग मुझे देनी है आपको, तो उस टाइम पर मुझे आपको पूरा एक प्लांट कैसा होता है वो तो मुझे फिजिकली दिखाना पड़ेगा। तो उस टाइम पर मैं सिमुलेटर्स का यूज़ करके, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करके मैं आपको उसका बाइसेक्शन, उसके अंदर कैसा है, क्या है, ये सब चीज़ें बहुत आराम से और अच्छे से आपको दिखा सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स की वजह से। तो इसीलिए हमारा एक यूज़ ये भी है कि हम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पजेज़ के लिए हम हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, वो इन्होंने इस एक डायग्राम के अंदर में उन्होंने बताया हुआ है। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में हमने जो इसके पहले भी एक एप्लीकेशन पढ़े थे कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर में अगर आपको कार सीखनी है तो आपको सिमुलेटर के अंदर डालते हैं, वैसे ही फ्लाइट सिमुलेटर्स भी आपने सुने होंगे जिसके अंदर पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो फ्लाइट सिमुलेटर्स अगर जो भी है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए ही हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ उन्होंने मिलिट्री टैंक का सिमुलेटर जिसके अंदर में सब जगह पे स्क्रीन्स लगे होते हैं और जिसके थ्रू हम लोग फिर जैसा ड्राइव करते हैं उस डायरेक्शन में हमारी स्क्रीन्स मूव होती है और हमको उस साइड का पिक्चर दिखाती है। तो इससे हम लोग एक मिलिट्री टैंक चलाना सबसे पहले सीखते हैं, सेम एज जैसा हम कार चलाना सीखते हैं उसी तरीके से। इन्होंने यहाँ पे एक फ्लाइट सिमुलेटर भी दिखाया हुआ है कि फ्लाइट सिमुलेटर कैसा रहता है। सामने से दिखने में तो एक फ्लाइट का कैबिनेट ही दिख रहा है, लेकिन अंदर जब जाते हैं तब यहाँ पे स्क्रीन्स है जिसके ऊपर में पूरा तुमको फ्लाइट के अंदर से किस तरीके से, यानी तुम कंट्रोल्स यूज़ कर रहे हो तो किस तरीके से फ्लाइट मुड़ रही है, चल रही है, जो भी है वो पूरा का पूरा एक सिमुलेशन देता है फ्लाइट का। तो ये भी हमारा एक यूज़ हो गया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स जहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, हमारा फ्लाइट सिमुलेटर अंदर से किस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे जो स्क्रीन्स लगी हुई है वहाँ पे पूरा सिमुलेट करेगा कि आप लोग पूरा फ्लाइट के अंदर में बैठे हुए हैं और चला रहे हैं। जैसे ये वाले एग्जांपल में ये एक नेवल सिमुलेटर है जिसके अंदर हम शिप्स कैसे चलाएंगे वो दिया हुआ है, स्पेस शटल किस तरीके से चलाना है उसका सिमुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सिर्फ इमेजेस दी हुई है जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर हम कार के अंदर से बैठ के, यानी जब कार सिमुलेटर के अंदर जाते हैं तो हमको कैसा व्यू दिख सकता है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि हम किस तरीके से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पजेस में हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। और एक एप्लीकेशन जो हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स का है वो है विजुअलाइजेशन, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे कि कोई भी चीज़ को विजुअलाइज करना है तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उसकी इमेज दिखाओ या फिर उसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाए, तो कभी भी सामने वाले इंसान को ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो जब भी हमको कोई चीज़ें, कुछ डेटा हमको अगर दिखाना है, बहुत बड़ा डेटा हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको बार चार्ट्स, पाई ग्राफ्स, ये सब चीज़ों में डाल के हम अगर यूज़र को दिखाएं या फिर प्रेजेंट करें तो फिर हमको उसका विजुअलाइजेशन ज़्यादा इजीली कर पाते हैं हम लोग और अच्छे से समझती है हमको वो चीज़। तो हम विजुअलाइजेशन में भी हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे एक कलर कोडेड प्लॉट विद 16 मिलियन डेंसिटी पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव ब्राइटनेस ऑब्जर्व फॉर द वर्लपूल नेबुला रिवील्स टू डिस्टिंक्ट गैलेक्सीज। तो इनका पूरा जो डेटा था उन्होंने चालू करके प्लॉट करते गए इस तरीके से यहाँ पे पीक पॉइंट्स भी दिख रहे हैं हमको, और हमको तो नहीं समझेगा लेकिन उन्होंने इसको इस तरीके से डिपिक किया है। तो इतने एक एक पॉइंट अलग अलग डेटा सिर्फ दिखाने से अच्छा उन्होंने उसको पूरा कंबाइन करके एक पिक्चर के अंदर में उन्होंने पूरा डेटा रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे ये एग्जांपल में उन्होंने क्या बताया है कि अगर एक स्नेल है तो एक स्नेल का जो शेल है वो अलग अलग एंगल से किस तरीके से दिखेगा, तो ये इन्होंने उसके चार अलग अलग एंगल से शेल कैसा दिखने वाला है वो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है।
तो इससे हमको और एक अच्छे से जानकारी मिल जाती है, विजुअलाइजेशन हमको अच्छे से हो जाता है कि यार स्नेल ओके इस तरीके से हमारा शेल अलग अलग एंगल से दिखता है करके। यहाँ पे एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है जहाँ पे ये एक फ्रेम है एनिमेशन का जो सीक्वेंस रहेगा, उसमें उन्होंने ये बताया है कि कॉर्न का जो ईयर है वो कैसे डेवलप होता है। तो उसमें से एक फोटो लिया है, ऐसे सीक्वेंस ऑफ फोटोज रहेंगे जिसके अंदर में अलग अलग छोटे से लेके वो बड़ा कैसे होते जाता है वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डे 212, यानी डे 212 पे किस तरीके से कॉर्न हमारा बन जाएगा वो। तो ये फर्स्ट डे से लेके 212 तक इन्होंने दिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट जो लिया है ये उस दिन का है। तो हमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है कि ओके इस तरीके से हमारा कॉर्न धीरे 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 बढ़ रहा है और डे 212 पे इस तरीके से दिख रहा है हमको वो। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ग्राफिक्स का एप्लीकेशन है वो है इमेज प्रोसेसिंग में। तो अब इमेजेस तो हमारे पास में है लेकिन प्रोसेसिंग क्यों करना पड़ता है, कभी कभी हमको इमेजेस को एनहांस करना पड़ता है, कभी कभी उसके कलर्स हमको कम ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें आती है हमारी इमेज प्रोसेसिंग के अंदर में। तो ये भी एक काफ़ी यूजफुल चीज़ है। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने एक दिया हुआ है कि अगर सपोज कीजिए एक लाइसेंस प्लेट की फ़ोटो इस तरीके से खींची गई है, अब उसको हमको एनहांस करना है ताकि हमको दिखे कि वो नंबर क्या है, क्योंकि ये जगह पे हमको बिल्कुल नंबर नहीं दिख रहा है, तो हमको उसको एनहांस करना पड़ेगा। और फिर हम कुछ टूल्स यूज़ करके उसके बाद में थोड़ा तो भी पढ़ते आ रहा है हमको कि एग्जैक्टली नंबर प्लेट में क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हमारे इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं चीज़ों को एनहांस करने के लिए और बेटर करने के लिए, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। और एक जो आखिरी एप्लीकेशन हमारा दिया है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसिस का, जो हम कंप्यूटर वाले लोगों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुझे कोडिंग करनी है तो किसी भी चीज़ के लिए हमको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लगता है, चाहे वो जावा रहे, चाहे हमारा .NET रहे, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहे, हमारे लिए उस चीज़ का एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लगता है। तो हम लोगों के लिए तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब IDEs हो गए हमारे जो हम यूज़ करते हैं, NetBeans हमारे जावा के लिए, हमारे टर्बो C++ हमारे C++ के लिए, वैसे ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो हमारे .NET के लिए। तो इस तरीके से हमारे लिए जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस है वो ये है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए भी अगर उसको मेल भेजना है तो उसके लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या हो गया कि हमारे कंप्यूटर ने उसके लिए एक स्क्रीन बना के दी है जिसके अंदर एक ब्राउज़र नाम की चीज़ होती है, उस ब्राउज़र के अंदर में वो कोई भी मेल प्लेटफॉर्म खोलता है और उसके ऊपर से वो मेल भेजता है। तो ये सारी चीज़ें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गई, जो भी कंप्यूटर और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होता है उस चीज़ को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में कई एप्लीकेशंस है कंप्यूटर ग्राफिक्स के, और जो हम धीरे धीरे हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे, और मेनली हमको हमारे सिलेबस में ये पढ़ना है कि हम ये जो ग्राफिक्स है वो किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड राइट डाउन इट्स एप्लीकेशंस, तो आपको ये सब चीज़ें उसके अंदर में लिखनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।